अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, ड्रामा तड़के वफा, जिसकी एपिसोड 11 नशर होना थी लेकिन नशर नहीं हुई। आखिर ड्रामा तड़के वफा को क्यों नहीं नशर किया गया? अब आप इस ड्रामे को कब और कहां देख पाएंगे? इस ड्रामे में लीड कास्ट में काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा हिना चौधरी ने अपने फैंस को खुद वीडियो पैगाम में बता दिया। तो आइए जानते हैं मुकम्मल डिटेल्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज क्लब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। तड़के वफा, जिसके अभी सिर्फ 10 एपिसोड ही नशर किए गए हैं, लेकिन इस एपिसोड्स में ही अदाकार इतना कनेक्ट हो चुके हैं इस ड्रामे से कि हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस ड्रामे का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रामा की एपिसोड 11 को नशर ही नहीं किया गया। तो फैंस काफ़ी परेशान थे कि ये ड्रामा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो पहले ही इसको क्या ऐसी वजह हो गई कि इस ड्रामे को बैन कर दिया गया है क्या, या फिर इसे क्यों बंद किया गया है? तो व्यूअर्स, हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि इस ड्रामे की लीड कास्ट में काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा हिना चौधरी ने अपने फैंस को ये खबर सुना दी कि सिर्फ मुहर्रम उल हराम की वजह से इस ड्रामे को नशर नहीं किया गया। वादे अज़ार हर रोज़ रात 7 बजे ये ड्रामा वैसे ही आप देख पाएंगे जैसे कि इससे पहले देख रहे थे। ड्रामा तड़के वफा जो कि डेली नशर किया जा रहा है, वैसे ही डेली रात 7 बजे ही नशर किया जाएगा। ये सिर्फ मुहर्रम उल हराम की वजह से इस ड्रामे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो आप इस ड्रामे को मुहर्रम उल हराम के कुछ इन दिनों के बाद आप इस ड्रामे को वैसे ही देख पाएंगे। ज़्यादातर चैनल्स पे मजहबी इवेंट्स और इसके साथ साथ मजहबी शोज़ की वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ड्रामाज को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है और ड्रामा तड़के वफा को भी वक्ती तौर पर ही बंद किया गया है। आप बहुत जल्द इस ड्रामे को उसी टाइमिंग पर देख पाएंगे। ये कहना था आप सबकी फेवरेट हिना चौधरी का। तो व्यूअर्स, ड्रामा तड़के वफा की एपिसोड 11 का क्या आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबिज़ क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।